शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश की खूबसूरत एक्ट्रेस गायत्री जोशी के निधन की खबर ने सबको चौंका दिया है। इटली में गायत्री अपने पति विकास ओबेरॉय के साथ अपनी कार से जा रही थी। कई कारों ने एक साथ एक कैंपर वैन को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक कार कैंपर वैन से जाकर टकरा गई और कैंपर पलट गया। उसकी चपेट में कई और कारें भी आ गईं। हादसा इतना भयानक था कि एक फरारी कार में आग लग गई, जिसके बाद अंदर बैठे एक पति पत्नी के जोड़े की जान चली गई। ये जोड़ा स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। इन्हीं कारों के बीच गायत्री और विकास की कार भी थी और उनकी कार भी इसकी चपेट में आ गई, जिसके बाद खबर आई कि गायत्री और उनके पति विकास की भी इस एक्सीडेंट में मौत हो गई है। गायत्री ने अपने करियर में सिर्फ एक ही फिल्म स्वदेश की, लेकिन इस फिल्म से उन्हें ऐसी पॉपुलैरिटी मिली कि आज तक लोग उन्हें भूल नहीं पाए। इस एक्सीडेंट की खबर जैसे ही भारत में लगी, लोगों को लगा कि उन्होंने गायत्री को खो दिया है। इस दौरान फ्री प्रेस जर्नल ने गायत्री से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि गायत्री की कार इस एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त जरूर हुई, लेकिन वो बाल बाल बच गई। गायत्री ने खुद बताया कि इस एक्सीडेंट से वो शॉक रह गई, लेकिन उनके बराबर में चल रहे जोड़े की कार में आग लग गई और उनकी मौत हो गई। पहले खबरें थी कि गायत्री की कार में आग लगी है और उनके साथ ये अनहोनी हुई है। गायत्री ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता था। गायत्री का करियर बहुत छोटा रहा। शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश के अलावा उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया। 2004 में स्वदेश के बाद अगले साल ही 2005 में उन्होंने बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी कर ली और विदेश चली गई। गायत्री के अब दो बच्चे हैं, लेकिन आज भी लोग गायत्री को बहुत प्यार करते हैं। गायत्री 18 सालों से नजर नहीं आई हैं। फिलहाल गायत्री सुरक्षित हैं और ठीक हैं।